आशीष जैन के सवाल लेते हैं। मैंने ये पूछा, व्हाट कैन बी द टारगेट ऑफ विप्रो परचेज ईयर एगो एंड गिविंग नाउ 10% रिटर्न। 428 पे विप्रो खरीदा था, क्या राय बनेगी इनके लिए? देखिए, अब वो समय है जब आपको विप्रो पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस हमने 2021 और 2022 में देखा था, उस तरह का अंडर परफॉर्मेंस शायद आपको विप्रो में अब देखने को नहीं मिलेगा। मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और विप्रो में इस रैली में अगर आपके पास 6 महीने का समय होगा तो शायद 600-625 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर कट राउंडिंग बॉटम है, ब्रेकआउट है चार्ट पे, बने रहने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस 520 रुपए के नीचे लगाने हैं। बढ़ते एक शेयर और ले लेते हैं जरा विप्रो, इसको भी चेक करवा लेते हैं। विप्रो की खबर भी जरा स्क्रीन पे लेके आई कि उन्होंने करार भी किया है क्लाउड माइग्रेशन के एक सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, और विप्रो वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बताया जाता है आईटी के अंदर, जिसका स्ट्रांग बेस है। आयुष, एक बार आप चेक करेंगे विप्रो को, इसका स्ट्रांग बेस है, बस यही इसकी खूबसूरती है। पॉइंटेड आउट, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमेशा, अगर कभी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो 380-85 के लेवल हमेशा स्टॉक में बाउंस बैक देखने मिलता है, और वह काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऊपर में जो स्टॉक में रेजिस्टेंस बन के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 450 के लेवल्स के आसपास आता है, तो मुझे लगता है ऊपर में एक बार वापस उसमें और जगह है। 420 एक कंफर्टेबल बाइंग जोन है, एक 420 का एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने ब्रेक किया है और क्लोजिंग ऊपर ही रखा है, तो मुझे लगता है विप्रो को जो बाय किया जा सकता है, इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन जाएगा वो 450 का बन जाएगा। और अगर 450 का रेजिस्टेंस बन के आता है तो इसमें एक नई बैंक रैली की स्टार्ट होगी, जो स्टॉक को फर्स्ट टारगेट उसमें 475 से लेकर 500 तक मिलेगा।